कौन है ये आदमी जिसका सिर 177 सालों से बंद कर रखा गया है इस बोतल में? इसने क्या अपराध किया था? अजीब बात है कि एक आदमी का सिर 177 सालों से एक बोतल में बंद कर रखा गया है। ये एक सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? उस सिर में ऐसी क्या खास बात है कि पुर्तगाल यूनिवर्सिटी में डियागो एल्विस नामक एक आदमी का सिर 177 सालों से सुरक्षित रखा गया है? डियागो एल्विस कौन था? उसके साथ ऐसा क्यों किया गया था? डियागो एल्विस एक सीरियल किलर था जिसने पुर्तगाल के लिस्बन शहर में 4 सालों में कई लोगों की हत्याएं की थी। डियागो एल्विस स्पेन में रहता था। उसका जन्म स्पेन के गैलेसिया में 1810 में हुआ था। बचपन में वो घोड़े से गिरा था और उसके सिर में चोट आई थी। 19 साल की उम्र में उसके माता पिता ने उसे काम की तलाश में पुर्तगाल के लिस्बन शहर में भेजा था। लिस्बन जाकर एल्विस को कोई काम नहीं मिला। वह एक गलत संगत में पड़कर उसे शराब और जुए की लत लग गई थी। एल्विस अपराध की दुनिया में धकेला गया। उसने लिस्बन में एक नहर के पास का इलाका चुन लिया। वहां बने पुल से गांव के किसान सब्जियां बेचने शहर आते जाते थे। शाम को उसी पुल से वापस अपने गांव लौटते थे। एल्विस पुल के पास छिपा रहता था। किसानों के लौटने समय का मौका पाकर उन पर हमला कर देता था। उनकी हत्या करके 60 मीटर ऊंचाई की उनकी लाश नहर में फेंक देता था। सामान लूटकर वहां से भागता था। पुलिस को नहर में लाशें मिलने लगी। पुलिस को ऐसा लगता था कि किसान गरीबी में तंग आकर आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद कई लाशों पर धारदार हथियार के वार के निशान नजर आए। पुलिस को ये बात समझ आई कि आत्महत्या नहीं बल्कि ये हत्या है। पुलिस ने तलाश शुरू की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस की तलाश ठंडी देखकर एल्विस ने फिर से हत्याएं शुरू की। अब वो अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ उसकी पूरी गैंग थी। एल्विस शातिर दिमाग का था लेकिन एक बार उसकी किस्मत धोखा दे गई। एक डॉक्टर के घर 4 लोगों की हत्या करके वहां से फरार हो गया। लेकिन उस डॉक्टर की 11 साल की बेटी मारिया बच गई थी जिसने उसे पहचान लिया था। पुलिस ने एल्विस को पकड़ लिया। एल्विस ने कुल 70 लोगों की कत्ल किए थे ऐसा कोर्ट में बताया। कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई। 1841 में उसे फांसी पर लटका दिया गया। मस्तिष्क वैज्ञानिकों ने कोर्ट से डियागो एल्विस का सिर शोध कार्य के लिए काट कर रखने की अनुमति मांगी। वैज्ञानिक एल्विस के व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते थे कि आखिर एक आदमी इतना क्रूर और बेरहम कैसे हो सकता है। कोर्ट ने अनुमति दी। तब से एल्विस का सिर पुर्तगाल के यूनिवर्सिटी में सुरक्षित रखा गया है। उसके चेहरे के भाव बेहद शांत स्वभाव के दिखते। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।